हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक इट इजी विद दीप्स। तो आज मेरे पास है ये न्यूज़पेपर्स, तो आज का क्राफ्ट मैं करूँगी इन्हीं से। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स मेक इट इजी। तो न्यूज़पेपर्स के अलावा मुझे इस क्राफ्ट के लिए चाहिए फेविकॉल, ये फेविक्रिल के पर्ल मेटालिक कलर्स और पेंट ब्रश, निटिंग नीडल्स यानी कि सिलाई, स्केल, पेन और कुछ ये पर्ल्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसके बिना भी अच्छा लगेगा। तो न्यूज़पेपर को कुछ मैंने इस तरह से फोल्ड किया और स्केल से मैं इसको कट कर रही हूँ। तो अगर आप स्केल से काटने में कंफर्टेबल नहीं हो तो सीज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी साइड से कट करने के बाद मेरे पास इस तरह से न्यूज़पेपर के पीसेस निकल आएंगे और इसके एक कॉर्नर पर ये निटिंग नीडल को रख कर मैंने इस तरह से रोल किया और मेरे पास बन जाएंगी ये न्यूज़पेपर की स्टिक्स। अब इस पे फेविकॉल लगा के मैंने इनको सिक्योर कर लिया है और अब एक पेन के ऊपर मैं ये स्टिक को रोल करूँगी और कम्प्लीटली रोल होने के बाद ये एक व्हील जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसको मैं अगेन फेविकॉल से फिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये छोटे छोटे व्हील्स हमको बनाने हैं और अब मैं करूँगी इसको पेंट। और इसको पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पर्ल किट में से कॉपर कलर, उसमें सिल्वर भी है, गोल्डन भी है और एक और पिंकिश सा, डार्क पिंक सा शेड था, तो आप उसमें से कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। मुझे कॉपर कलर अच्छा लगा तो मैंने इसी को यूज़ किया है। तो ये कम्प्लीटली मैंने इसको पेंट कर लिया और ऐसे हमें बहुत सारे व्हील्स बनाने हैं तो सब के सब ये व्हील्स बन के तैयार हैं और इससे हम बनाएंगे एक ऑर्गेनाइज़र बास्केट। तो सबसे पहले बास्केट का बेस मैं बना रही हूँ और बेस बनाने के लिए मैं 5x6 का सबसे पहले बेस बना रही हूँ। एक तरफ 5 और एक तरफ 6 मैंने लिए हैं और उसको मैं ये ग्लू गन से फिक्स कर रही हूँ। बट ग्लू गन मैंने यूज़ की बट मुझे उतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगी, तो एट दी एंड मुझे इसको चेंज करके फेविकॉल ही यूज़ करना पड़ा। तो थोड़ा सा उसको सूखने में टाइम लगता है बट लेकिन वो प्रॉपरली चिपक जाता है, फिक्स हो जाता है, ऐसे निकलता नहीं है। बट ग्लू गन मुझे उतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगी, तो आप चाहें तो इसमें ऑल फिक्स भी यूज़ कर सकते हैं या फेवी बॉन्ड भी। तो ये लास्ट मैंने लगा दिया पोर्शन और ये हमारा बेस रेडी हो गया है। और इसी तरह से हम इसकी चारों जो साइड्स हैं वो रेडी कर लेंगे, जैसे ये लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने रेडी कर ली है। इसी तरह से इसका बैक और फ्रंट पोर्शन भी रेडी कर लिया, तो ये बैक रेडी हो गया है। अब इन चारों साइड्स को हम जो बेस है उसके चारों तरफ चिपका देंगे। तो ये बैक साइड मैंने फिक्स कर ली और इसी तरह से बाकी की तीनों साइड भी मैं लगा लूँगी। और ये सब साइड लगाने के बाद हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बास्केट रेडी हो गया है। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।